Hello friends, welcome back to Vidya Corner. Friends, in today's video, we are going to talk about the medical colleges in Chhattisgarh. In this video, we are going to cover these topics. Total number of medical colleges in Chhattisgarh, total government medical colleges, total private medical colleges, number of MBBS seats in each college, fee structure of individual college, and upcoming medical colleges in Chhattisgarh. Dosto, video mein aage badhne se pehle main aapko bata dena chahti hoon ki ye list mere own research pe based hai. Is video mein maine jo bhi data dikhaye hain wo maine individual college ki website, National Medical Commission, Medical Counseling Committee se liye hain aur kuch data jo public domain mein available hain. दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास में इन कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि इस वीडियो को हम और भी इन्फॉर्मेटिव बना सकें और आने वाले लोगों के लिए ये वीडियो और भी यूज़फुल हो सके. दोस्तों अगर बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में तो छत्तीसगढ़ मीन्स 36 फोर्ट्स. ये स्टेट लोकेटेड है सेंट्रल इंडिया में. फॉर्मली छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था. छत्तीसगढ़ को स्टेटहुड ग्रांट हुई थी नवंबर 2000 में. उस समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था. आज के दिन छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें से 8 गवर्नमेंट हैं और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं. दोस्तों छत्तीसगढ़ के सारे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंसेज एंड आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर से अफिलिएटेड हैं. छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज. ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1963 में. प्रोवाइड करता है 150 MBBS सीट्स. ये कॉलेज अटैच्ड है 700 बेडेड डॉक्टर B.R. अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल से, जो कि कॉलेज के कैंपस में ही है. ये टीचिंग हॉस्पिटल फुल्ली ऑपरेशनल है और इक्विप्ड है मॉडर्न फैसिलिटीज से. यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर. दोस्तों नंबर 2 पे है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर. This college established in the year 2012 and provides 100 medical seats. AIIMS Raipur Healthcare Institute being established by the Ministry of Health and Family Welfare Government of India under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. Today, AIIMS Raipur is among the top medical colleges of country. It is also given top ranking by NIRF. दोस्तों नंबर 3 पर है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर. फाउंडेड इन द ईयर 2001 एंड प्रोवाइड्स 180 MBBS सीट्स. CIMS इज एन इनोवेटिव डायनेमिक एंड इंडिपेंडेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू प्रोवाइड एक्सीलेंट मेडिकल एजुकेशन एज वेल एज द बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज स्पेशली टू द ट्राइबल बैकवर्ड एंड रूरल कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़. Also, it provides a well clinical exposure to all the students. Number 4 पे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनंदगांव. फाउंडेड इन द ईयर 2014 एंड प्रोवाइड्स 125 MBBS सीट्स. ये कॉलेज अटैच है 535 बेडेड हॉस्पिटल से, जिसमें हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. साथ ही में है इनके पास में बहुत ही एक्सपीरियंस स्टाफ जो हर तरह की मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसीज के लिए अवेलेबल रहते हैं. नंबर 5 पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर. इन जुलाई 2021 छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नेम्ड इट एज राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह दियो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. दिस कॉलेज फाउंडेड इन द ईयर 2016 एंड प्रोवाइड्स 100 MBBS सीट्स. GMC अंबिकापुर इज मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड टुडे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेडिकल कॉलेज इन छत्तीसगढ़. नंबर 6 पे हैं
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर। इस कॉलेज को 2013 में रीनेम कर दिया गया था और अब इस कॉलेज का नया नाम है लेट बलिराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था साल 2006 में और प्रोवाइड करता है 125 MBBS सीट्स। साथ ही में ये कॉलेज अटैच्ड है 500 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो कि कॉलेज के ही कैंपस में है। नंबर 7 पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़। इसको हम लेट श्री लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। ये कॉलेज स्टैब्लिश हुई थी साल 2013 में और प्रोवाइड करता है 50 MBBS सीट्स और ये कॉलेज लोगों के लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। और दोस्तों साथ साथ में आप इंडिविजुअल मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर 8 पे है चंदूलाल चंद्रशेखर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग। ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था 2013 में और ये कॉलेज प्रोवाइड करता है 150 MBBS सीट्स। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि ये अभी तक सितंबर से पहले ये कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और 3 सितंबर 2021 से गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने इसको एक्वायर कर लिया है। अब इस कॉलेज का नया नाम है चंदूलाल चंद्रशेखर मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दुर्ग और कॉलेज का जो नया फीस स्ट्रक्चर है वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। नंबर 9 पे है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये छत्तीसगढ़ का एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और स्टैब्लिश हुआ था साल 2016 में और प्रोवाइड करता है 150 MBBS सीट्स। रिम्स वैसे तो स्टैब्लिश हुआ था 2012 में लेकिन इस कॉलेज को MCI की परमिशन 2016 में मिली थी। आज रिम्स छत्तीसगढ़ का प्रीमियर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है। साथ ही में ये कॉलेज अटैच्ड है 650 बेडेड हॉस्पिटल से जिसमें हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। दोस्तों लास्ट में नंबर 10 पे है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भिलाई। ये छत्तीसगढ़ का सेकेंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो स्टैब्लिश हुआ था साल 2016 में और प्रोवाइड करता है 150 MBBS सीट्स। श्री गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी भिलाई इस कॉलेज को मैनेज करती है। दोस्तों श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल जूनवानी अपने स्टार्टिंग से ही रिमार्केबल सर्विस प्रोवाइड करता आ रहा है और आज ये मेडिकल कॉलेज एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज से फुल्ली इक्विप्ड है। तो दोस्तों ये सब कुछ था छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और अब अगर हम बात करें अपकमिंग मेडिकल कॉलेजेस की तो छत्तीसगढ़ में 3 नए कॉलेजेस का अनाउंसमेंट हुआ था जो कि महासमुंद कांकेर और कोरबा में आने वाली थी लेकिन रिसेंटली ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन तीनों कॉलेजेस की अर्जियों को रद्द कर दिया है। हम आशा करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ के लिए नई मेडिकल कॉलेजेस का जल्दी ही अनाउंसमेंट करेगी और छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स और वहाँ के लोगों को और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल पाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास में छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी दी हुई जानकारी दूसरे लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है। और लास्ट में आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।